पंजाब विधानसभा में पैसे को लेकर टिकट बेचने के आरोप के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि यदि आरोप साबित हो गया तो भ्रष्टाचार करने वाले को जेल भेज कर रहेंगे। बता दें कि कई विपक्षी दल ने ये आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी पैसे लेकर टिकट का बंटवारा कर रही है, और जिस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई इसे साबित कर देगा तो वह टिकट खरीदने वाले और बेचने वाले को 24 घंटे के अंदर पार्टी से बाहर निकाल देंगे। एक भी टिकट बेची नहीं गई है। अगर आप साबित कर दें, कोई साबित कर दे कि फलाने फलाने आदमी ने टिकट बेची और फलाने फलाने आदमी ने टिकट खरीदी, 24 घंटे के अंदर दोनों को मैं पार्टी से निकाल दूंगा। और केवल पार्टी से नहीं निकालूंगा, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, भ्रष्टाचार में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये साबित हुआ, उन दोनों को जहन्नुम तक मैं पीछा करूंगा उन दोनों का, उनको छोड़ने वाला नहीं है, जेल भिजवा के रहूंगा अगर किसी ने टिकट बेची और किसी ने टिकट खरीदी तो। दूसरी बात, ये फैशन चल गया है, सच्चाई का रास्ता कांटों भरा होता है। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो ना तो लोग कीचड़ फेंकते हैं आपके ऊपर। ये सारी पार्टियां हमारे ऊपर कीचड़ फेंक रही हैं, तरह तरह के लोग कीचड़ फेंक रहे हैं, टिकटें बेच दी। अगर किसी ने आम आदमी पार्टी पे गलत आरोप लगाया, उलझलूल आरोप लगाया, उसको भी छोड़ने वाले नहीं हम लोग। उसके ऊपर भी ऐसे केस करेंगे, कानून के अंदर जितने हमारे पास एवेन्यू हैं उनको भी जेल भिजवा के रहेंगे। या तो साबित करो, अगर आपने साबित कर दिया मैं उनको जेल भिजवाऊंगा जो भी टिकटें बेचेगा और खरीदेगा, और अगर साबित नहीं किया और आपने उलझलूल आरोप लगाए उनको भी मैं जेल भिजवा के रहूंगा, उनको छोड़ने वाला नहीं हूं। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।